मंदसौर मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। मंदसौर में हुई लहसुन की बंपर पैदावार, आज मंदसौर मंडी में 16,000 क्विंटल आवक रही। भारी मात्रा में मंडियों में पहुंचा लहसुन, अधिक पैदावार होने से गिर गए लहसुन के भाव। मंदसौर जिले में लहसुन की पैदावार अधिक मात्रा में होती है। मंदसौर मंडी में 100 रुपए से 6,665 तक बिका लहसुन। बाजार में इसी लहसुन की कीमत 40 रुपए किलो से अधिक। नमस्कार, मैं हूं जुबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। इन दिनों लहसुन की बंपर आवक के चलते उसके भाव में भारी कमी देखी जा रही है। 5 से 10 हजार क्विंटल तक बिकने वाली लहसुन के भाव वर्तमान में 500 रुपए से भी कम है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में आ रहे किसान भी वर्तमान में लहसुन की कम कीमतों से बेहद परेशान और नाराज हैं। वह सरकार को किसानों की आय दुगनी करने के वादों को याद दिला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि गेहूं और अन्य फसलों की तरह लहसुन का भी एक उचित दाम निर्धारित कर दिया जाए। मंदसौर की कृषि उपज मंडी पूरे प्रदेश में बंपर आवक और नगद लेन देन को लेकर जानी जाती है, लेकिन वर्तमान में यहां लहसुन किसान फसलों के उचित भाव को लेकर परेशान हैं। उज्जैन रतलाम से लहसुन बेचने मंदसौर आने वाली कई किसान हैं, जिनको लहसुन बेचने के बाद लागत मूल्य तो दूर बल्कि लोडिंग वाहन का किराया भी नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि किसानों को लहसुन की फसल में फायदा मिलना तो दूर, उल्टा फसल में ही लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरह यही लहसुन बाजार में अच्छे मुनाफे में बेची जा रही है। बाजार में सामान्य गुणवत्ता के लहसुन की कीमत 100 रुपए किलो से कम है। मंदसौर मंडी में लहसुन न्यूनतम 100 रुपए क्विंटल से लेकर अधिकतम 6,665 रुपए क्विंटल बिका है। भैया मेरा नाम चंदन बगेरिया है, गांव साबाखेड़ा, जिला मंदसौर, और काश्तकार हूँ। किसानी काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इसके अलावा क्या लहसुन की कंडीशन तो ये हो गई भैया कि जब पहले मंडी आते थे तब तो ये कंडीशन थी कि हम होटल में चाय भी पी सकते थे, खाना भी खा सकते थे। आज ये कंडीशन आ गई, टिफिन साथ में लेके आना पड़ रहा है। और जो ये लहसुन में जो लागत लगती है भैया, इसका बीज लाया था सर मैं 13,000 रुपये क्विंटल, आज ये जा रही है 1200-1300 रुपये किलो क्विंटल। तो क्या प्रॉफिट है इसमें? ये है कि भाई शासन चलाना ही भारी पड़ रहा है। अभी तो आए हैं मंडी में और किसान भगवान भरोसे रहता है कि जो है किस्मत में, पर ये नहीं सोचता है कि अपन इसकी पैदावार थोड़ी कम कर दें। अर्थात लहसुन लगा रहे किसानों की भी कुछ है, भेड़ वाली चाल चल रही है, जितनी भी लगा रहे अनशन लगा रहे, थोड़ी लगाओ अच्छी लगाओ। मैं भी मोबाइल पर देख के आया भैया, 7,000 का भाव छाप रखा है और यहाँ 700 रुपये क्विंटल जा रही है भैया, तो ये कहाँ का न्याय है ये समझ में नहीं आता है। सरकार से यही मांगे कि भाई कोई भी निर्धारित कर दो, किसान को उसकी मन करेगा कि मैं लहसुन बोऊं। एक निर्धारित भाव किसी चीज़ का नहीं है किसान के, लहसुन प्याज का तो बिल्कुल नहीं है। गेहूं का कर रखा उन्होंने 2,000 से 2100-2200 कर रखा है, इसी प्रकार लहसुन का भी हमारे को 2,000 से 4,000 के बीच में भाई एक निर्धारित तो बाजार कर दे, उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। हिरलाल माली है सर मेरा नाम, मैं गांव रिंगनोस से हूँ, खेती करता हूँ सर। सर आपकी बार 6 बीघे एक लहसुन थी और हालात इतने खराब है सर लहसुन के कि 300-400 से ऊपर लहसुन नहीं बिक पा रही है और लागत हद से ज़्यादा है सर। मैं बताता हूँ आपको, 6 बीघे में 60,000 की 2.5 लाख रुपये तक की लागत हो गई सर, और लहसुन के हिसाब से 30-40,000 की भी लहसुन नहीं हो पा रही है। मतलब किसानों की बहुत ज्यादा हालत खराब है और अगर ऐसी स्थिति रहे तो किसान क्या करेगा? मतलब कहने का मतलब ये है, अभी आप देख लीजिए कोई भी ढेर जो कंडीशन है 250-300-400-500 से ऊपर नहीं बिक रहा सब माल, और जो रोग में आ रही है लहसुन या लोग खेती जैसे लीज पे लेके कर रहे हैं उनकी तो और ज्यादा हालत खराब है सर। अब वो 20,000 रुपया साल खेती लेता है लीज पे और जब उसमें फसल बोता है तो फसल की हालत ये है सर के 10 क्विंटल बीघे की लहसुन हो रही है सर। अगर 200-150 का भाव देखा जाए तो 1500-2000 रुपए की लहसुन हो पा रही है। अब सोचो आप क्या कंडीशन है किसान की, 1 बीघे में सर 60,000 की लागत मान लीजिए आप, भाव के हिसाब से तो सर देख लीजिए ना 300-400 लहसुन जा रही है क्विंटल, ये हालात है किसान के। सर 6 बीघे में आपकी बार 2.5 लाख रुपए का नुकसान है सर मेरे को। ये लहसुन पड़ी है
वो लहसुन आप मंडी में क्यों नहीं बेची गई? लहसुन मंडी में क्या ले जाए, लहसुन की तो बहुत स्थिति खराब है। 1 रुपये से 2 रुपये, 1.5 रुपये, 75 रुपये से किलो ऐसे लहसुन बिक रही है, भाड़ा भी नहीं निकल पाता है। और हमने 10-12 हज़ार और 15 हज़ार रुपये कुंटल के भाव से बीज लेके लगाया था कि अच्छे भाव मिलेंगे किसानों को, उसके बनस्बात ये तो ऐसी स्थिति बनी, 1 रुपये किलो में भी बेचना पड़ रही है, जिसका भाड़ा भी नहीं निकलता है। और हमारी लहसुन पड़ी है, हमको फेंकना पड़ेगी, क्या करें इस लहसुन को रखे। अब लहसुन और प्याज की दोनों की स्थिति ऐसी है। आप सरकार से इस विषय में क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को उसकी लागत के हिसाब से पैसा दिया जाए और मजदूरी वगैरह के सब जोड़ के पैसा दिया जाए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अन्यथा किसान बर्बाद हो जाएगा। आपका नाम? दिनेश कुमार पाटीदार। आज मंडी में लहसुन के जो भाव मिलते हैं, उसमें किसान आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मंडियों में ये हालत है कि 1 रुपये से 2 रुपये 5 रुपये लहसुन बिक रही है, बहुत किसानों की दयनीय हालत है। एक तो उसकी लागत भी निकल पा रही है, उसके बाद आज तक सरकारों ने जो MSP भी तय कर रखी थी लहसुन की, मध्य प्रदेश सरकार ने 52 दे रखा है, लेकिन अभी 52 बंद पड़ा है। और MSP के लिए 2017 में किसान आंदोलन हुआ, उसमें 6 किसान शहीद हुए मंदसौर से, उसके बाद भी आज तक सरकार ने कोई MSP पे गारंटी नहीं दी है। और आज भी संयुक्त किसान मोर्चा आज भी MSP की गारंटी के लिए लड़ रहा है, वो लड़ता जा रहा है, हम भी सब उनके सहयोग में खड़े हैं। और आज किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है, आज की चाहे प्याज ले लो चाहे लहसुन ले लो। ठीक है, आपका नाम? नाम? नाम दिलीप पाटीदार, किसान नेता। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।